हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कहो कैसे हो आप सब, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। जस्ट मैं हेयर वॉश करके आ रही हूँ। आज संडे है और आप सभी को पता है 11 नवंबर को है बाबू का बर्थडे, तो हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग के लिए। पापा आए हैं, ससुर जी आए हैं हमारे साथ में। शायद आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं अभी बता दे हूँ। हाँ, तो पापा के लिए कपड़े लेने हैं, नेहा के लिए कपड़े लेने हैं, हमने तो हमारे लिए कपड़े ले लिए हैं, दे दिया है ब्लाउज स्टिचिंग के लिए, और बाबू के लिए लेना है। बाबू कौन सा ड्रेस पहनेगा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम जा रहे हैं लेने। और हमारे लिए कुछ चीजें हैं जो भी लेंगे हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जस्ट जब मैंने हेयर वॉश किया तो वीक गए थे, तो हमने कहा चलो नहा लेते हैं, सुबह ठंडी लग रही थी तो इसलिए मैंने बालों को नहीं धुला था। अभी जस्ट बाल को धुल के आ रहे हैं, फिर से नहा के आ रहे हैं। पापा आए हैं तो हमने सोचा कि बाहर चलना है तो साड़ी ही डाल लेते हैं। पापा हमारे कुछ भी नहीं बोलते, हम चाहे जो पहने पापा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमारे ससुर जी काफी अच्छे हैं तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाँ बाहर चलना है तो मुझे साड़ी थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। अब मैं चल रही हूँ लगाने बॉडी लोशन। तो बॉडी लोशन के लिए मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का लिक्योर आइस ब्राइटनिंग बॉडी लोशन लगाने जा रही हूँ। थोड़ा सा जुबान मेरी फिसल जा रही है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, लिक्योर आइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप प्लीज बताना जरूर। मुलेठी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे बी मुझसे मिस्टेक हो रही हो। अच्छा, जब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, तो ये है गुड वाइब्स का लिक्योर आइस ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। नेटवेट आपको 200 ml मिलता है। प्राइस है इसकी ओनली 195, सेल्फ लाइफ 3 ईयर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। काफी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, 200 ml काफी ज्यादा होता है, तो अगर आप अकेले लगाने वाले हो तो पूरा विंटर आपका ये बॉडी लोशन चल जाने वाला है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई पैराबीन, सल्फेट या फिर मिनरल ऑयल नहीं है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है, और ये देखिए ऐसे देखने में लगती है क्रीम की तरह, तो मैं इसे लगा ले रही हूँ। विंटर में हमें अच्छा बॉडी लोशन जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी है वो लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट प्लस मॉइस्चराइज रहे, नहीं तो अजीब सी ये देखिए अभी ये देख लो आप, ड्राई, इतना ज्यादा ड्राइनेस रहती है ना कि पूछो मत। तो हमें कोई अच्छा सा बॉडी लोशन चाहिए ही होता है, तो उसके लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो। काफी लंबे टाइम तक आपके बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है। तो इस बॉडी लोशन के बारे में मैंने बातें बहुत सारी कर ली। काफी सारे लोग पूछ रहे थे दी कोई आप अच्छा सा फेशियल ऑयल बता दे जो लंबे टाइम तक हमारे फेस को हाइड्रेट प्लस मॉइस्चराइज बनाए रखे। तो फेशियल ऑयल के लिए मैं ऑल टाइम फेवरेट मेरा फेशियल ऑयल रिकमेंड करूंगी। पता नहीं कितनी बॉटल मैंने इसकी खत्म कर दी है। ये है पर्पल का 24K गोल्ड फेशियल ऑयल। इसमें आपको गोल्ड डस्ट मिल जाती है, फेस को काफी लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है, फेस को हाइड्रेट रखता है, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। और अभी पर्पल पे चल रही है दिवाली सेल, यहाँ पर आपको अप टू 50% ऑफ तो मिल ही जाता है, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है अगर आप यूज करते हो कूपन कोड GET100। अच्छा हाँ, 3 लकी विनर्स जीत सकते हैं सैमसंग M21 मोबाइल जिसकी प्राइस है 16,000 रुपए। तो इन सब प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले लीजिए। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मुझे प्रियादीप पे एक भी अनाउंसमेंट का वीडियो बनाना है, तो मैं वो बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलते टाइम दिखाऊंगी कि क्या कुछ कर रहे हैं। तैयार हो गए हम लोग, जा रहे हैं। कहाँ चल रहे हो बाबू भाई? कुछ बोलने वाले थे लेकिन सोच रहे वो नाम रिवील ना करें, इसीलिए बाबू निकल गया। आगे जान गए, कहाँ चल रहे हो? प्रत्युष के लिए बर्थडे का ड्रेस, नेहा के लिए ड्रेस, तुमको कुछ लेना है शायद हैंडबैग। देखो सब पता है, भाई को सब पता है, चलो चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं गाढ़ा भंडार, बाबू के लिए कुछ कपड़े लेने थे। यहाँ पर कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, तो हमने सोचा कि ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि हम गाढ़ा भंडार चले चले वहाँ से ले लें। तो हम यहाँ से चले गए थे अंदर कपड़े लेने, और यहाँ पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हम लोग आ गए हैं, कपड़े लेके चल रहे हैं नेहा के लिए कपड़े लेने। देखो कितना मतलब तैसे बैठी हूँ मैं। चलो चलते हैं ट्रेन। सो अब हम लोग कहाँ, ट्रेन नेहा के लिए कपड़ा लेने। चलो चलते हैं बाबू, मास्क लगा दो, मास्क लगा दो। अरे सिंपल ले, खड़े आ जा, मी 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 मां आ जा, आ जा, ये है कहाँ लग रहा। तो हम लोग आ गए हैं ट्रेंड्स, यहाँ पर नेहा के लिए कपड़े लेने।
तो कई जगह गाढ़ा भंडार पे भी हमने देखा, बट उनको समझ में नहीं आया तो हमने कहा चलो ट्रेंड्स ले लेते हैं। गाढ़ा भंडार में हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे इधर से उधर घूमने में, और फिर हमने सोचा हमने हमारी साड़ी के लिए सैंडल तो लिया ही नहीं है, हमारी साड़ी जो हम पहनने वाले हैं उसमें उस कलर की सैंडल मेरे पास नहीं है, बट हमें यहाँ मिली ही नहीं थी ही नहीं जैसे हमें चाहिए थी वैसी सैंडल हमें नहीं मिली। देखते हैं क्या पहनते हैं। इसके बाद हम चले आए नेहा का कपड़ा पसंद किए, दीप गए बिल कराने नेहा के कपड़े का। नेहा ने दो कपड़े पसंद किए हुए हैं, दो या तीन, अभी मुझे इतना याद नहीं है, हॉल में आप लोग देख लीजिएगा कितने कपड़े नेहा ने पसंद किए हुए हैं। और इसके बाद मैंने सोचा बाबू के लिए कुछ स्वेटर भी ले लूं, बट सही नहीं लगा मुझे तो स्वेटर हमने नहीं लिया। तो अब यहाँ पर हमारी ख़रीदारी हो गई। पापा और दीप यहाँ पर देखो खड़े हैं मॉल में। मैं पल्लू सर पे पल्लू डाल के घूम रही थी, अजीब सी फीलिंग हो रही थी, सर मैंने ढका हुआ था। इसके बाद दीप बिल कराने लगे तो हमने कहा पापा को लेके चलते हैं हम अंदर कार में, और पापा चल नहीं पाते हैं उतनी अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैंने मेरे हाथ का सहारा दिया हुआ है। पापा बोल रहे हैं अगर मैं गिरूंगा तो तुम भी गिर जाओगी क्योंकि तुम इतनी पतली हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर यहाँ से ऊंचाई थी ना तो पापा उतर नहीं पाते, जैसा कि मैंने बताया पापा ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ भी पापा को सहारा दिया ताकि गिरे ना, क्योंकि हमारे पापा काफ़ी अच्छे हैं यार, भगवान करे सबको ऐसे ही ससुर मिले। तो बस हो गई हम लोगों की सारी ख़रीदारी। अभी पापा का कपड़ा नहीं मिल पाया क्योंकि आप देख सकते हो कितना रात हो गया है। तो हम आ गए हैं घर, आप सभी से चलते हैं अंदर रूम में, फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, मैंने स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट दिखाया उसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग लिंक के थ्रू जाइए ले लीजिएगा, ठीक। ओह लो, आज तो मास्क लगा के ही चले आए। सो फैमिली अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 9:45 पे हम घर आए थे, 9:55 हो रहा है। आके हमने एक वीडियो, आज हमारा 3 बार कैंसिल हुआ है ब्लॉग चैनल, तो आज हमने 9:46 पे ब्लॉग शेयर किया हुआ है ससुराल का घर वाला, जो प्लस्टर के बाद कितना बदल गया ऐसा करके। तो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लें। अभी मैं चल रही हूँ ड्रेस चेंज, में हमें दाल चावल ही बनाना है क्योंकि हम लोग बाहर थोड़ा बहुत खा लिए थे। चिली पोटैटो बाबू का मन था, उसका फेवरेट है आप सभी को पता ही है, तो चिली पोटैटो हमने खा लिया था अभी जस्ट आते टाइम, हम लोगों ने खा लिया था क्योंकि सुबह से 12:30 या 1 बजे हम लोग निकले थे, तब से हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, इतनी सारी खरीदारी थी। ये देख लो आप इतनी सारी खरीदारी हुई है। कल वीडियो प्रियादीप पे आएगी तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ कल वीडियो प्रियादीप पे आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने मेरे बेबी के लिए, मैंने मेरे लिए क्या लिया, बाबू के लिए क्या लिया, इसके बाद नेहा के लिए क्या लिया, पापा का जो है, पापा को खादी वस्त्रालय का ही पापा कपड़ा पहनते हैं। तो आज वो बंद हो गई थी, हम लोग नेहा का सबसे पहले ये हुआ कि नेहा का ले लो, नेहा के लिए काफ़ी जगह हमने ढूंढा, उनके मन का मिल ही नहीं रहा था। फिर हम लोग गए कौन सा है भाई, वो कहाँ है वो, कपूरथला ना, कपूरथला में ट्रेंड्स है ना, जहाँ से नेहा के लिए लिए, अच्छा जानकीपुरम, हाँ हम लोग जानकीपुरम गए, वहाँ से हमने नेहा के लिए लिया। इसके बाद हम लोग फिर मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, गाढ़ा भंडार, वहाँ से मैंने बाबू के लिए लिया, एक दो सूट बाबू के लिए मैंने वहाँ से लिया। इसके बाद फिर हम लोग गए एलियन सोली करके ब्रांड है ना, वहाँ उनके वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ से वहाँ हम नहीं गए थे, हम तो कार में थे, दीप और भाई गए, तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए कुछ देख लिया, उनको पसंद आया तो मुझे कॉल करके बुलाए कि आ जाओ यहाँ पर तुम्हारे लिए, फिर वहाँ से हमारे लिए, फिर ब्लैकबेरी से भाई के लिए, दीप के लिए लिया गया, तो लेट हो गया। तो कल दीप जाएंगे, पापा का लेके आएंगे, जब पापा का आ जाएगा तो सारा मिला जुला के एक हॉल हम आपके साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग फैमिली, रात में सडन मेरा कैमरा बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, सो ब्लॉग का एंड हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि मुझे अभी आप लोगों से बात करके ब्लॉग का एंड कर देना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए हमें हमारा नया ब्लॉग, जो कि सुपर डुपर हिट होने वाला है, आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। मेरी छूट गई, परसों है बाबू का बर्थडे, आप लोग ब्लॉग देखोगे तो एक दिन बाद बाबू का बर्थडे रहेगा 11 नवंबर को। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार ना काफी सारे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आने वाले हैं, हम तो काफी ज्यादा खुश है। अच्छा मैं आप लोगों से क्या बताने वाली हूँ, कल जब हम पापा को लेके मॉल गए ना तो वहां पर सैनिटाइजर ऐसे करो तो हाथ पे आ जाता था ना, तो वो चीज पापा देखे खड़े, अरे मतलब पापा को शौक लगा कि बाबा ये क्या सिस्टम है, बड़ा पापा को बड़ा पसंद आया वो चीज,
तो हमने कहा यहाँ तो हर एक मॉल में है। और जब पता है पापा कोई भी कपड़ा उठाते उसका प्राइस टैग देखते वो ऐसे कर करके पापा मतलब नहीं नहीं लेना इसे नहीं लेना उसे नहीं लेना मतलब पापा थोड़ा सा मतलब उनको लग रहा था कि काफी महंगा है ऐसा करके। पता है एक बार की और बात बताऊं मैं, जब मैं यहाँ हम लोग लखनऊ नहीं शिफ्ट हुए थे, हम लोग वहां भिंगा में रहते थे, तो पापा को मैं लिवा के गई थी अपने साथ। तो हम लोग वहां से बाय ट्रेन आए थे लखनऊ खरीदारी करने के लिए। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ आइडिया होता नहीं था लखनऊ के बारे में, तो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता थी, जब भी हम लखनऊ आते थे सहारागंज और फिर कहां गाढ़ा भंडार, यही दो चीज मुझे पता हुआ करती थी, सहारागंज गाढ़ा भंडार, अगर कुछ ज्वेलरीज वगैरह चाहिए तो अमीनाबाद, ये तीन चीज हम लोगों को पता थी, वो भी काफी सर्च कर करके। तो पापा को लेके गए सहारागंज, वहां हम लोग ऊपर जहां पर हमने वो चैलेंज किया था चाउमीन चैलेंज जारा के साथ, वहां पापा को लिवा के गए। अरे वहां की कॉफी वॉफी देख के पापा मतलब वहां तो दीप को भड़क गए कि जितना तुम यहाँ पर दे रहे हो बाहर दुकान पे जो लगाते हैं ले लेते, मतलब फर्स्ट टाइम पापा का जो एक्सपीरियंस था मॉल को लेके ना वहाँ की चीजों को लेके काफी ज्यादा कैसे बताऊं मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि होता है शायद आप लोग भी ये चीज जब आप अपने फादर इन लॉ या फिर आपके पापा के साथ आते होंगे तो शायद कई लोग ये चीज सफर किए होंगे, खासकर जो गाँव के हैं हम जैसे लोग, उनको सारी चीजें ना बचा के रखनी होती है, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, मतलब हर एक चीज में सेविंग चाहिए ही होती है। लेकिन अभी पापा फिर भी थोड़ा सा सही हो गया है, स्टार्टिंग में तो पापा बड़ा भड़कते थे, हम लोगों को मॉल जाने ही नहीं देते थे, जो भी चीजें हो ना तो बाहर किसी महंगी जगह पे कुछ खाने देते थे, नहीं यहाँ पर पैसे ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। अभी काफी साल हो गया है, 4-5 साल हो गया है, तो पापा भी थोड़ा सा शांत हो गए हैं और वो भी समझ गए हैं चीजें, नहीं तो स्टार्टिंग में पापा बड़ा भड़कते थे हम लोगों के ऊपर। आप लोगों का हमने 3 मिनट ले लिया क्योंकि सडन मुझे याद आया, पापा की वो बात याद आ गई, तो हमें लगा कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। यही वो सारी चीजें हैं जो हम बाद में हमारा वीडियो देखते हैं तो हमें भी होता है 6 दिन मतलब यार ये चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ये दिन ऐसा रहा था, उस दिन हमने ये सारी चीजें की हुई थी। तो वही है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है भैया, अभी मैं जा रही हूँ किचन में बनाने कुछ। तो मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कोई वीडियो रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि ससुर जी हैं तो उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, तो मैं टॉप रात में पहन ली थी, मैंने सूट डाला था, देखो अभी भी सलवार है नीचे, देख रहे हो आप, मैंने सूट डाला हुआ था लेकिन वो इतना टाइट था कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तो फिर मैंने टॉप डाल लिया। अभी जब मैं जाऊंगी बाहर तो चेंज कर लूंगी, पापा के सामने मैं इस ड्रेस में नहीं जाने वाली हूँ, सूट में हम रहते हैं लेकिन जींस टॉप में पापा के सामने कभी नहीं गए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में गाइस, बाय, लॉट्स ऑफ लव।